गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज हमारा है 1.2, जिसमें हमारे कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चंस हमारा सब्ट्रैक्ट हो गया है, सिंप्लीफाई तक हो गया है, मींस क्वेश्चन नंबर 9 वो है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग Following integers in ascending order। हमें कुछ integers को arrange करना है ascending orders में, और similar next question हमारा जो होगा वो होगा हमारा descending order के लिए। असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर की हम बात करें तो ये क्या ऑर्डर होते हैं, कैसे हम इनमें नंबर्स को अरेंज करते हैं। तो हम यहाँ देखें यहाँ पर कि असेंडिंग ऑर्डर जो होता है वो नंबर्स को अरेंज करने के लिए एक वे होता है। उसमें हमें हमेशा ध्यान रखना है कि नंबर जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट चलते हैं। मीन्स हम देखें कि वी हैव सम नंबर्स, तो हमारा एक वे होगा कि पहले स्मॉलर नंबर आने वाला है, दैट वन उससे ग्रेटर, ग्रेटर कंपेयर, ऐसे ग्रेटेस्ट नंबर तक पहुंचने वाला है। तो हमारे पास अभी क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन 9 का फर्स्ट क्वेश्चन भी है, -20, -13, -4, -0, -5 and +5। इतना हमारे पास क्वेश्चंस हैं। तो हम देखें कि हमें पहले से ये क्लियर है कि सारे पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं वो ग्रेटर देन होते हैं कंपेयर टू नेगेटिव इंटीजर्स के, और हमें स्मॉलर की बात कर रहा है तो स्मॉलर में आप बात करते हैं कि स्मॉलर में भी नेगेटिव आएंगे। तो नेगेटिव में भी ध्यान रखना है कि नेगेटिव में, इन केस ऑफ नेगेटिव, जो ग्रेटर नंबर होता है वो स्मॉलर को शो करता है, जो स्मॉलर होता है वो ग्रेटर को शो करता है। तो हम देखें यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 2 and 3, अभी हम देखते हैं तो ये 2 जो है हमारा स्मॉलर है जनरली इन केस ऑफ पॉजिटिव, बट नेगेटिव दोनों साइन कर देते हैं तो अब यहाँ -2 जो है वो ग्रेटर होगा कंपेयर टू -3। तो हम देखें असेंडिंग ऑर्डर मींस स्मॉलर टू ग्रेटेस्ट, तो हम देखते हैं यहाँ सबसे स्मॉलर नंबर मींस -20, -5 मींस नेगेटिव नंबर जो है हमारे माइनस में 2 है। अब 0 को तो नहीं, क्योंकि बे होता है हमारा इंटीजर्स पे कि ये नेगेटिव, ये 0, ये पॉजिटिव, मीन 0 जो नेगेटिव होते हैं वो 0 से भी कैसे होते हैं, लेस देन होते हैं। अब हम देखें यहाँ पर कि -20 and -5, तो स्मॉलर नंबर जो होगा वो हमारा है -20, इसके बाद हमारा नंबर कौन सा आने वाला है -5, दैट वन -5 से पॉजिटिव में जब करने वाले हैं तो अभी तो हमारा बेटा है 0, फिर हमें क्या मिलने वाला है 4, या कंफ्यूज करने के लिए आपको सिर्फ प्लस साइन ले लिया +5 and 13। ये हमारा होगा असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मींस छोटे से बड़ा, जनरली हम यूज करते हैं छोटे से बड़ा, मींस स्मॉलर टू ग्रेटेस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, इसी में क्वेश्चंस हैं तो सेकंड आप लोग ट्राई करने वाले हैं, होमवर्क रहेगा आपका। इसी क्वेश्चन को अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है, जो हमारा 10th क्वेश्चन है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करने वाले होते हैं कि हम स्टार्ट करते हैं ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, मींस जो हमारा अरेंजमेंट होगा वो होगा ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, मींस हमारा जस्ट अपोजिट कर दें, फर्स्ट 13, दैट वन उससे स्मॉलर 5, 4, 0, -5 and -20। तो हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर जो है वो इस टॉपिक जो है वो आज की क्लास में कंप्लीट होता है। हमारा लास्ट क्वेश्चन रहता है, दैट वन हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू ऑल ऑफ यू।